हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कतर में कंपनी चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप कफाला चेंज कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि कफाला चेंज करने से पहले आप लोगों के मन में कुछ सवाल आता है, जैसे कंपनी चेंज करेंगे ये तो आपको कितने रियाल फीस पे करना होता है, कितनी बार आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे सवाल आप लोगों के मन में आता है। इसके अलावा यह भी सवाल आता है, क्या घर से हम कंपनी में चेंज करा सकते हैं, क्या कंपनी वाले लोग घर में चेंज करा सकता है। इसके अलावा आप लोगों के मन में यह भी सवाल आएगा, अगर हम कंपनी चेंज कराएंगे तो कितने दिन में हमको अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में एक सवाल है जो आपको कंपनी चेंज करने से पहले ही आपके दिमाग में आता है, या तो आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके दिमाग में यह सवाल आता है, वो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कीजिए। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको कतर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप स्पॉन्सर चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सवाल आता है हमको कितना रियाल पे करना होगा। तो यहाँ पर जो कंपनी वाले हैं उन लोगों के लिए अलग फीस है, जो लोग घरों में काम करते हैं या तो घर में चेंज लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अलग फीस है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप घर से घर में ही चेंज लेते हैं पहली बार तो आपको 1000 रियाल जो गवर्नमेंट का फीस है वह पे करना होता है। दूसरी बार अगर आप चेंज लेते हैं तो 1000 के बजाय आपको 500 रियाल और ऐड करना होता है, 1500 रियाल दूसरी बार आपको पे करना होता है। तीसरी बार अगर आप घर में ही चेंज लेते हैं तो आपको 2000 रियाल पे करना होता है। आपको बताते चले, अगर आप घर में चेंज लेते हैं तो आपका जो कफिल होगा वही ज्यादातर पे कर देता है। अगर आप घर में चेंज लेकर के कहीं बाहर काम करना चाहते हैं इस स्थिति में आपको पे करना होता है। अगर आप घर से कंपनी में जाना चाहते हैं या तो आप कंपनी से कंपनी में चेंज कराना चाहते हैं तो कंपनी वालों के लिए जो पहली बार फीस रखा गया है 2000 रियाल, अगर आप पहली बार चेंज कराते हैं कंपनी में तो आपको 2000 रियाल पे करना होता है। अगर आप दूसरी बार चेंज कराते हैं तो आपको 500 रियाल ऐड कर देना होता है, यानी दूसरी बार आपको 2500 रियाल पे करने होते हैं। तीसरी बार अगर आप चेंज कराते हैं या तीसरी बार से ज्यादा आप चेंज कराते हैं तो आपको जो फीस है 3000 रियाल पे करना होता है। दूसरा आपके मन में यह सवाल आता होगा, आप कितनी बार कतर में चेंज ले सकते हैं। तो आपको बताते चले, आपकी जितनी बार दिल करे उतनी बार आप कतर में चेंज ले सकते हैं। पर यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताते चलूं, कुछ साल पहले कतर के जो कैबिनेट है उसके अंदर एक बात छेड़ी गई, कतर में काम करने वाले वर्करों को 3 बार से ज्यादा चेंज नहीं मिलना चाहिए, इस पे बात छेड़ी गई थी। यह कानून अभी तक पास नहीं हुआ है, इसके लिए अभी आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज के लिए फीस अलग अलग पे करना होता है। तीसरा सवाल आपके मन में आता होगा, क्या हम हाउस ड्राइवर है तो क्या कंपनी में हम चेंज ले सकते हैं, या कंपनी में आप काम करते हैं तो क्या आप घर में चेंज ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप कंपनी से घर में जा सकते हैं, घर से आप कंपनी में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज होता है, घर से कंपनी में जाने में जल्दी आपको अप्रूवल नहीं आता है। जो चौथा सवाल है, आपको कंपनी चेंज करने से पहले आपके दिमाग में आ जाता है अप्रूवल कितने दिन में मिल जाएगा, अप्रूवल कितने दिन में मिलेगा यह आपके ऊपर है, क्योंकि आप जिस कंपनी में पहले काम करते थे अगर उस कंपनी में आप 2 साल से कम काम किए हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है। तो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही अप्रूवल आता है। अगर आपको अप्रूवल का मैसेज आ भी जाएगा फिर भी आपको नोटिस पीरियड तक इंतजार करना होता है। अगर आप 2 साल से कम काम किए हैं तो 1 महीने का नोटिस पीरियड आता है, अगर आप 2 साल से ज्यादा काम किए हैं तो फिर आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड आता है। 2 महीने के अंदर में अगर आपको अप्रूवल आ जाता है तो सही है, नहीं आता है फिर भी आपको इंतजार करना होता है। अगर 2 महीने के अंदर में अगर आपको अप्रूवल आ जाता है फिर भी जो आगे का प्रोसेस है वो आपको नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अप्रूवल आपको इंशाल्लाह 1 महीने या 2 महीने के अंदर में आ जाता है। जो लास्ट सवाल है, आपने अप्रूवल के लिए भेज दिया, आपका अप्रूवल लेट हो गया या तो कैंसिल हो गया या तो रिजेक्ट हो गया, इस स्थिति में आपके दिमाग में यह ख्याल आता है क्या कतर में सेटिंग के द्वारा हम स्पॉन्सर चेंज करा सकते हैं, किसी दलाल के थ्रू हम स्पॉन्सर चेंज करा सकते हैं। तो आपको बताते चले, आपको बहुत सारे मंदूब मिल जाएंगे, उसके जरिए से आप दोबारा अप्लाई करके चेंज करा सकते हैं।
पर आप लोगों को बोलूंगा आपको किसी मंदूब के पीछे नहीं जाने की जरूरत है। आप दोबारा रिजेक्ट हो जाता है तो अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप किसी मंदूब के पीछे जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है, आपको जो फीस है उसके अलावा वह 1000 या 1500 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लेकर के वह आपका काम करवाता है। जो मंदूप लोग होते हैं वह लोग मिनिस्ट्री में जाते रहते हैं, इसके वजह से उन लोगों को जान पहचान हो जाता है, तो वह आप लोगों का काम करा सकता है। तो सेटिंग से भी आपका चेंज हो जाता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सेटिंग से भी चेंज करा सकते हैं, नहीं तो आपको इंतजार करना चाहिए। अप्रूवल आपको आ जाता है, अगर रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको दूसरे कंपनी में अप्लाई करना है, या तो उसी कंपनी में दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अप्रूवल आ जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया।